सो दोस्तों ऑलरेडी तंदूरी चिकन आ चुका है मेरा, चिकन पीस नंबर वन, पीस नंबर टू। मैंने ऑर्डर किया है मटन बिरयानी, इतना जूसी है ये पूरा मटन का पीस देखो। इसको तोड़ कर आपको क्या करना है, इसको पुदीना में अच्छी तरह से मिक्स कर देना और तो दोस्तों आज है दिवाली का दूसरा दिन, तो घर में रहने का तो सवाल ही नहीं। तो मैं जा रहा हूँ कहीं एक्सप्लोर करने, कहाँ जा रहा हूँ दैट इज़ नॉट येट डिसाइडेड, पर जहाँ भी जाएंगे खाना खाएंगे, घूमेंगे और बहुत ज़्यादा धमाल मचाएंगे। सो आज का जो मोटो व्लॉग हो रहा है बहुत ही डिफरेंट, एकदम दिवाली स्पेशल मोटो व्लॉग। इसके लिए मैं मेरा गोप्रो को माउंट करने वाला हूँ मेरा हेलमेट माउंट में, उसके बाद वी विल गो फॉर द लॉन्ग राइड। दोस्तों ये है दिल्ली हाईवे, ये कोलकाता टू दिल्ली हाईवे, ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूं घर से। कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए इस रास्ते से आप जाओगे तो सीधे 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 जितने जाओगे आप पहुंच जाओगे दिल्ली। तो इसको बोला जाता है कोलकाता टू दिल्ली हाईवे। दिल्ली हाईवे से जाते जाते रास्ते पे ऐसे मिल जाएगा बहुत सारे दुकान, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ऐसे हैंडक्राफ्ट का चीज़ यहाँ पर मिलता है दोनों साइड पे, दिल्ली हाईवे के दोनों साइड में आपको ऐसे मिलेगा। तो अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हो यहाँ पर आ सकते हो, हैंडक्राफ्ट का ये बहुत ही स्टैचू मैचू है, बहुत ऐसी चीज़ है। मैं थोड़ा सा बाइक से उतरना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से ही आपको दिखाते हैं, क्लोज क्लोज जाके दिखाता हूँ। ये सब फ्लावर वर्क है, ऑल दीज आर हैंडमेड। यहाँ पर भी एक दूसरा दुकान है, ये भी देखो यहाँ पर ही बहुत कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर तो देवताओं का मूर्ति भी है, ये देखो गणेश जी का कितना बड़ा मूर्ति, गणपति बाप्पा मोरिया। यहाँ पर देखो राधा कृष्ण, कृष्ण जी का भी मूर्ति है, नीचे गणेश जी का भी मूर्ति है, बाइक से दिखाता हूँ। यहाँ पर है लोकनाथ जी का मूर्ति, बहुत सारी मूर्ति आप देख सकते हो, अंदर भी है चारों तरफ है, बहुत बड़े बड़े पत्थर से बनाए हुए मूर्ति है। तो दोस्तों घूमते घूमते हो चुके हो बहुत टायर्ड और भूख भी बहुत ज़्यादा लगा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ एक पंजाबी होटल में। तो यहाँ पर मैंने सामने है ये देख सकते हो, दिस इज़ ऑल द मेनू कार्ड्स भैया। तो मेनू कार्ड देख के अभी ऑर्डर देना है क्या खाना है और आज का शाम में कौन सा डिलीशियस पंजाबी खाना और कॉन्टिनेंटल चाइनीज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स भैया। तो जनाब ऑलरेडी मेनू मैंने सेट कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हो तंदूरी ड्राई चिकन है, अगर फुल प्लेट लोगे तो 390, हाफ प्लेट लोगे तो 210।
तो मैंने चूज़ किया हाफ प्लेट 210 में। यहाँ पर आता है 4 चिकन पीस। तो स्टार्टर में पहले ये 4 पीस खा लेते हैं, उसके बाद अगर पेट में जगह रहेगा तो उसके बाद सोचेंगे क्या नेक्स्ट ऑर्डर करना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बात किया जो ऑर्डर लेके गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा ना कि अच्छी तरह से प्रिपेयर करके उसको लोग सर्व करेगा। तो मैंने बोला यार दिवाली के टाइम में खाने के लिए आया हूँ तो कोई इशू नहीं, आप 10 मिनट लो, 20 मिनट लो, आधा घंटा ले लो, बट इट शुड बी गुड, इट शुड बी टेस्टी। तो आने दीजिए, उसके बाद आपको दिखाता हूँ उसका सीन क्या है। तो दोस्तों, ऑलरेडी तंदूरी चिकन आ चुका है मेरा, चिकन पीस नंबर 1, पीस नंबर 2, पीस नंबर 3, पीस नंबर 4। यहाँ पर देखिए चटनी दिया गया है, थोड़ा सा खा के देखता हूँ ये चटनी कौन सा चटनी है। पहले ये पुदीना का चटनी है, पूरा सॉलिड। वाह, यहाँ पर ऑसम से एक सलाद भी दिया गया है, सलाद ज़रूर भैया। मीन्स टोटल प्लेट का प्राइस पड़ा ऑलमोस्ट 210 रुपये, मीन्स लगभग अब मान लो एक एक पीस चिकन का पड़ा 50 रुपये के आसपास रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑल, चलिए अभी चख के देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। लीची होगा भाई, अमेजिंग। तो दिला तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए चिकन के ऊपर पूरा मसाला दिया गया है, इसको तोड़ कर आपको क्या करना है, इसको पुदीना में अच्छी तरह से मिक्स कर देना और मुँह में लेना है, और प्याज को भी पुदीना में लगा कर और माय गॉड अमेजिंग, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन मैन। भाई मज़ा आ गया, यकीन मानो, पूरा 4 चिकन पीस खाने के बाद पूरा दिल से आवाज़ आ रहा है कि दिल मांगे मोर। अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग, जिसका जो ग्रिलिंग हुआ ना और जो स्पाइस को लगा के ग्रिलिंग हुआ, पूरा पीस ऑफ दिखा था पूरा चिकन का, बियॉन्ड इट नेक्स्ट लेवल चिकन आइटम है भाई, रोस्ट है। अगर आप इसका लोकेशन में बोल देता हूँ आपको, अगर आप कोलकाता से रहते हो, दक्षिणेश्वर में आ रहे हो, दक्षिणेश्वर का जो ब्रिज है, बाली ब्रिज क्रॉस करके जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट में ये पंजाबी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रहो, चिकन का ये इसका मज़ा लो, अमेजिंग है, पूरा पैसा वसूल खाना है। तो भाई चिकन का वो आइटम खाने के बाद नाउ फॉर द राइस, मैंने ऑर्डर किया है मटन बिरयानी। तो मटन में क्या क्या दिखा देता हूँ, एक है एज यूजुअल, एक है आलू, ओके, नंबर 2 है एक सॉलिड, माय गॉड, एक पूरा पूरा जूसी, आपको तो दिखा दो पूरा जूसी ये मटन का आइटम है, और सॉलिड जिसको बंगला में बोला रिया जी आइटम है, और ये अरोमा राइस। तो सर सकून है ये, चलिए नेक्स्ट बाइट ले लेता हूँ। थोड़ा सा मटन तोड़ लिया, आलू तोड़ लिया, नाउ टाइम फॉर लुक एट द सीन, इतना जूसी है ये पूरा मटन का पीस देखो, एंड अरोमा राइस का क्वालिटी, लुक एट द क्वालिटी अरोमा राइस, एंड बहुत ही मक्खन जैसा ही है पूरा ये पोटैटो। तो चलिए पूरा खा लेते हैं, खाने के बाद डकार के साथ आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, खाने का मज़ा कैसा आया यहाँ पर। सो मैन, इट वॉज जस्ट क्रेजी मैन, जस्ट क्रेजी। पहले तो तंदूरी ज़बरदस्त स्वादिष्ट, उसके बाद मटन बिरयानी, मटन बिरयानी का सब कुछ ठीक था। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ था इसका प्राइस, जस्ट 150 रुपीज़ में
मटन बिरयानी ये लाजवाब क्वालिटी का कहाँ मिलता है? मिलता है इस अंकल जी का दुकान में मिलता है। अंकल जी दुकान का लोकेशन कहाँ पर एग्जैक्टली? दिस इज बालीखाल। यहाँ पे कैसे आ सकते लोग? यहाँ से अगर आपको हावड़ा स्टेशन से आना है तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, बाई बस भी आ सकते हैं, टैक्सी से भी आ सकते हैं। 8 किलोमीटर ओनली फ्रॉम हावड़ा। एंड हाइजीन इज क्वाइट गुड, क्वाइट गुड, बिकॉज एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन में हाइजीन मेंटेन करना सबसे बढ़िया चीज़ है। आई हैव ट्रेवल सो मेनी प्लेसेस वहाँ पर हाइजीन ज़्यादा मेंटेन नहीं करता है। अब देख सकते एवरीवन इज वेयरिंग दिस काइंड ऑफ टोपी टोपी मास्क एंड ऑल दिस थिंग्स, क्वाइट गुड। ओके थैंक यू सर, वेलकम। सो गाइस इट वाज जस्ट क्रेजी एक्सपीरियंस, होने के बाद पेट भर के दबा के खाने के बाद जस्ट ताज़ी हवा चाहिए। ओके तो अभी नेक्स्ट क्या है पता नहीं, जस्ट लाइक विदाउट एनी प्रिपरेशन इधर उधर घूम रहा हूँ। एंड अकिन मानी एवरीथिंग इज क्वाइट गुड, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। लॉन्ग ड्राइव इन दिल्ली हाईवे, उसके बाद अकिनेश्वर माता जी का टेम्पल में एक्सप्लोर करना, उसके बाद इस रेस्टोरेंट में खाना खाना। तो देखते हैं आगे का सीन क्या है। तो भैया मैं हूँ क्रिटिकल इंडियन, और खाने के बाद अगर पेट भर के खा लिया उसके बाद तो शरीर जवाब दे देता है एंड आई गेट स्लीप बैडली। सो ऑलरेडी मैं घर में वापस आ चुका हूँ, सोचा था कुछ इधर उधर जाएंगे बट अनफॉर्चुनेटली इतना खाने के बाद, पहले तो वो जो चिकन का आइटम, उसके बाद बिरयानी खाने के बाद पूरा तो मीन्स यू नो ज़बरदस्त नींद आ रहा है। तो मैंने सोचा भाई आज का बाकी का प्लान कैंसिल कर देता हूँ, उसके बाद घर आके लेट मी टेक द रेस्ट। सो भाई अभी व्लॉग को यहाँ पर क्लोज करते हैं, ऑलमोस्ट खत्म। पूरा इवनिंग एक शानदार इवनिंग खाते खाते बीत गया। आई हैव एंजॉयड अ लॉट विद माई बाइक एंड इट वॉज अ नाइस लॉन्ग राइड ऑल्सो। सो गाइज ये था एक छोटा सा व्लॉग अबाउट द इवनिंग राइड एंड ऑल्सो फूड। अगर व्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर करके मेरा हेल्प करना मत भूलिएगा। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।